सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहां वाह गुरु गोबिंद सिंह वाह गुरु गोबिंद सिंह सवा लाख से एक लड़ाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहां बाबा गुरु गोबिंद सिंह बाबा गुरु गोबिंद सिंह बाबा गुरु गोबिंद सिंह ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की अपनी जान की परवाह किए बिना। गुरु जी के सेवक भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर जी के शीश को दिल्ली से किरतपुर के रास्ते छुपते छुपाते अनंतपुर साहिब में ले गए। उन्होंने जब गुरु जी के शीश को गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सौंपा तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, रगरेटा गुरु का बेटा। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार और हिंदुओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐलान कर दिया कि वो ये नरसंहार और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने धर्म युद्ध की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से शुरू कर दी थी। गुरु जी को तीरंदाजी का बहुत शौक था। इतिहास गवाह है, जब भी गुरु जी ने अपनी कमान चढ़ाई तो उनका निशाना कभी नहीं चूका। धर्म युद्ध सिर्फ शास्त्रों से नहीं जीता जा सकता, बल्कि उसके लिए नीति शास्त्र के ज्ञान का होना भी उतना ही जरूरी है। इस बात को गुरुजी ने छोटी उम्र में ही समझ लिया था। जहां एक तरफ गुरुजी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर वो नीति शास्त्र भी सीख रहे थे। गुरुजी ने मुंशी पीर मोहम्मद साहब से फारसी भाषा सीखनी शुरू कर दी थी। चमकौर के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को फारसी में एक पत्र लिखा था जिसे इतिहास में जफरनामा के नाम से जाना जाता है। फारसी के अलावा गुरुजी ने गुरमुखी ब्रजभाषा और संस्कृत में भी महारत हासिल की। 11 नवंबर सन 1675 में गुरु गोबिंद सिंह महाराज अनंतपुर साहिब में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। दूर दूर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु अनंतपुर साहिब पहुंचे। बाबा बुढ़ा जी के वंश की बीबी राम कौर जी ने हीरे मोतियों से जड़ी दस्तार पेश की और उनके कलगी सजाई।
बंदी छोड़ दिवस का सिख इतिहास में बहुत महत्व है। ये दिन सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी की ग्वालियर की कैद से रिहाई की खुशी में मनाया जाता है। गुरु जी की कृपा से 52 राजा जिन्हें मुगल शासक जहांगीर ने कैद किया हुआ था वो भी रिहा हो पाए थे। आसाम के राजा रतन राय जिनका जन्म श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से ही हुआ था, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दर्शन करने श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे। राजा रतन अपने साथ गुरु जी के लिए नायाब तोहफे लाया था, जिसमें एक 5 कला का हथियार, एक 4 पुतलियों वाली चंदन की चौकी, 5 घोड़े और एक हाथी था जिसे प्रसादी हाथी कहा जाता था। उस हाथी की सूंड से लेकर पूंछ तक एक सफेद रेखा थी। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अस्त्र शस्त्र नीति और भाषा के ज्ञान को हासिल करने के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए फौज बनाने का निर्णय लिया। जुल्म का सामना तलवार उठाकर ही किया जा सकता है, इस बात का गुरुजी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जैसे ही गुरुजी के भक्तों को गुरुजी के फौज को बनाने के फैसले का पता चला तो पूरे पंजाब से हजारों की तादाद में लोग आनंदपुर साहिब में फौज में भर्ती होने के लिए पहुंचने लगे। गुरु महाराज ने अपनी फौज के लिए एक नगाड़ा बनाने का निर्णय लिया। नगाड़े की आवाज से फौज जोश में आ जाती थी और उसकी आवाज से दुश्मन की फौज भी घबरा जाती थी। उन दिनों नगाड़ा सिर्फ राजा ही रख सकते थे। गुरु जी के इस निर्णय से मुगल और पहाड़ी राजा विचलित हो गए। व्यवस्थित ढंग से गुरु गोविंद सिंह महाराज भविष्य में होने वाले धर्म युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, उसे देखकर मुगल शासक भारी चिंता में आ गए थे। आज्ञा पई अकाल की, आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पन सब सिखन को हुक्म है गुरु।